मोदी कैबिनेट ने सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2016 को मंजूरी दे दी है। नए कानून के तहत सरोगेसी के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लग जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब अपनी कोख किराए पर देने वाली मां को जरूरी खर्चों के अलावा किसी तरह की कोई रकम नहीं दी जा सकेगी। सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही सरोगेसी का अधिकार मिलेगा। बिल में किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा के उपाय किए गए हैं। सरोगेसी कानून को इसलिए सख्त किया गया है क्योंकि पिछले कुछ सालों से भारत एक सरोगेसी का केंद्र बनकर उभर रहा था और सरोगेसी को धंधे की तरह यहां चलाया जा रहा था। और इतना ही नहीं, सरोगेसी में लड़की पैदा होने पर भ्रूण हत्या के मामले भी तेजी से बढ़ रहे थे। सुषमा स्वराज ने इशारों में फिल्मी हस्तियों पर भी निशाना साधा और कहा कि जरूरत के बिना सरोगेसी का उपयोग करने वालों के लिए ये एक शौक की तरह है। कमर्शियल सरोगेसी का मतलब है उस माँ को देना, उसको पैसा देकर खरीद के लाना। जो गरीब महिला को आप पैसा देते हैं वो इसको कमर्शियल बनाता है। मैंने इसलिए इसको कोक का व्यापार कहा, वो कमर्शियल सरोगेसी बनाता है। क्लिनिक्स को वही ऑफेंस, वही पेनल्टी लगेगी, 10 साल तक की सजा, जो ये शुतुरमुर्ग की तरह बढ़ रहे हैं। जो आपने अनाथ की बात की, उनके पास दूसरा विकल्प है एडॉप्शन, एडॉप्ट कर लें।